सभी को जय यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है आपसे बातें करने के लिए, आपसे मिलने के लिए और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। वह महान परमेश्वर है जो हमें और आपसे प्यार करता है। वो चाहते हैं हमारे और आपके जीवन में उसकी आशीष को डालने के लिए। ये तभी संभव है जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। और मैं जानता हूँ कि आप लोग हर दिन हर समय अपेक्षा में रहते हैं परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। ये वचन अभिषेक के अनुष्ठान के माध्यम से आप प्रभु यीशु को जान पा रहे हैं, प्रभु यीशु के शक्ति को पहचान पा रहे हैं और प्रभु के वचन के द्वारा आपका जीवन बदल रहा है। मैं प्रभु की आभारी हूँ कि वचन के द्वारा वो आपके जीवन को बदल रहा है। इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। अपनी आँखें को बंद कर लीजिए, प्रभु को पुकारिए, क्योंकि प्रभु को पुकारना बहुत ज़रूरी है। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। इस समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू महान परमेश्वर है, तू छूने वाला, बदलने वाला और तू आशीष को देने वाला परमेश्वर है। मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तुझसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तेरी उपस्थिति रहे और मैं तेरी उपस्थिति के द्वारा मेरे जीवन को बदल सकूँ। तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक विषय के लिए, क्योंकि तू राजाओं के राजा है, तू जीवित दाता है, तू मुक्ति दाता है। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर, आमेन। सभी को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस वचन को सुन रहे हैं। आज का वचन बहुत ही आशीषमय वचन है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरत है। बिना परमेश्वर की उपस्थिति हम और आप कुछ कर नहीं पाएंगे। जब तक परमेश्वर की उपस्थिति को आप समझ नहीं पाएंगे, आपका जीवन बदल नहीं पाएगा। जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में पाएंगे, तब आपको समझ आ जाएगी प्रभु कैसे हैं, प्रभु क्या करना चाहते हैं और प्रभु के द्वारा आप क्या कर सकते हैं। मैं आज जो वचन आप लोगों के सामने में पवित्र आत्मा के द्वारा लेकर आना चाहता हूँ, प्रभु चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति रहे। भजन संगीता में उसने कहा, 16 पद संख्या 11 में उसने कहा, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख और शांति है। उसने कहा तू मुझे जीवन की मार्ग दिखाएगा। परमेश्वर जो ईश्वर है, जो हमें आपको मार्ग दिखाता है। यीशु ने कहा, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में उसने कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। परमेश्वर मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर निर्भर करते हैं, तो प्रभु यीशु आपको आज कहना चाहते हैं कि वो मार्ग है, सत्य है और जीवन है। जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगी, जब आप उसे जान पाएंगे, तब आपको पता लग जाएगा परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में किस तरह से उसकी दया, उसकी कृपाओं से आपके जीवन को भरना चाहते हैं, किस तरह से वो आपके जीवन में आशीष को लाना चाहता है। उसने कहा, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 33 पद संख्या अगर देखेंगे 14 में, जहां पर उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? उसने उत्तर दिया, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा ही कि हमें भी यहाँ से आगे जाने की आज्ञा ना दे। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? परमेश्वर ने कहा, मेरे उपस्थिति तेरे संग में जाएगा और मेरे उपस्थिति तुझे आशीष देगा, मेरे उपस्थिति तेरे जीवन में आशीष बन जाएगा। प्रियजन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रभु की उपस्थिति नहीं पाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे प्रभु क्या कर पाएगा। मैं एक समय आ चुका था जब मेरे जीवन से प्रभु की उपस्थिति एकदम नष्ट हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था प्रभु की उपस्थिति कहाँ है और उस समय सब कुछ एकदम अंत में खड़ा हो चुका था। एक दिन मैं रो रहा था बैठकर, उस समय प्रभु की आवाज़ फिर से सुनाई दी और उसने कहा, क्या कर रहे हो? निकलो, मैंने तुम्हें निकाला है काम के लिए। और उस समय प्रभु ने फिर से मुझे उठाया और फिर से जो टूट चुका था, जो एकदम नष्ट हो चुका था, जो हरा चुका था, उसे वो लौटाने के लिए तैयार हो चुका था। आज परमेश्वर फिर से वो उपस्थिति से भरते हैं, फिर से वो हमें आशीष देते हैं और फिर से वो अपने कृपाओं से हमारे जीवन को भर देते हैं। मैं चाहता हूँ प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में भी रहे। आप प्रभु को जब भी पुकारे, प्रभु की उपस्थिति को आप महसूस कर पाए। जब भी आप प्रभु को पुकारे, वो आपके जीवन में आए और वो आपके मुंह को खोल दे और आप ईश्वर को ढूंढ पाए। उसने कहा, सोत्र के गंत्र अध्याय 27 पद संख्या 8
और 9 देखेंगे, यदि मेरे हृदय की अभिलाषा रही कि मैं तेरा दर्शन करूं, प्रभु मैं तेरे दर्शन के लिए तरसता हूं, अपना मुंह मुझसे ना छिपा, अप्रसन्न होकर अपने सेवक को ना त्याग कर, मुझे ना छोड़, तू ही मेरा सहारा है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु मैं तेरे मुंह को दर्शन करना चाहता हूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मेरे जीवन में मैं तेरी उपस्थिति को मांगता हूँ। प्रियजन, जब तक आप यीशु की उपस्थिति को जान नहीं पाएंगे, आपका जीवन नहीं बदलेगा। यीशु की उपस्थिति आपका मार्ग बदल सकता है, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन की हर कठिनाइयों को बदल सकता है, यीशु की उपस्थिति आपके जीवन में आशीष ला सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में उसने कहा, जहाँ पर एक से अधिक मेरे नाम से मिलित होते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह उपस्थित रहते हैं। वो यीशु मसीह जो आपके जीवन में अपनी उपस्थिति को लाना चाहते हैं। जब यीशु इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, मर गए हैं क्रूस के ऊपर से, वो मरने के बाद जब जी उठे थे, और जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, उसी समय बहुत सारे जन परमेश्वर की उपस्थिति को खो चुका था। दो चेले जो परमेश्वर की उपस्थिति को खो चुका था। लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 जहां पर इस घटना को उल्लेख किया गया है, परमेश्वर की उपस्थिति उन लोगों के जीवन में किस तरह से लौट कर आए, क्योंकि वो लोग दूसरे मार्ग पर चल रहे थे, वो लोग ईश्वर को छोड़कर दूसरे राहों पर चल रहे थे। वचन कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से लेते हुए अंतिम तक 35 पद तक, जहां पर उसके कहा गया है कि वो दोनों जेरूसलम को छोड़कर अमायूस में जा रहे थे, और वो लोग रास्ते में जाते जाते बात कर रहा था यीशु के बारे में। अचानक यीशु उन लोगों के बीच में उपस्थित हुए, यीशु उन लोगों को छुए, और यीशु उन लोगों को बताने लगे कि क्या, किस तरह से वो उन लोगों को छू सकता है। यीशु ने कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते हो जेरूसलम में क्या घटा है, तुम लोगों को पता नहीं है क्या हुआ है। वो लोग तो थंब बन चुके थे, क्योंकि उन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। फिर यीशु ने रोटी को तोड़ा, यीशु ने मछली को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दी। जब उसने रोटी को तोड़ा, तब उन लोगों की आंखें खुल गई और यीशु उन लोगों के बीच से निकल गए। उन लोगों को पता चला परमेश्वर कौन है, तब उन लोगों को समझ में आई कि ईश्वर यीशु मसीह कौन है, और उन लोगों ने यीशु की उपस्थिति को महसूस की, और तब उन लोगों ने उस जगह को छोड़कर चले गए। यीशु की उपस्थिति आज भी हम लोगों के बीच में आते हैं, जीवित रोटी के माध्यम से, मीसा बलिदान में परमेश्वर को जब उठाया जाता है, उस रोटी के माध्यम से हम लोग यीशु के उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। मगर बहुत सारे जन इस उपस्थिति को नष्ट कर देता है, बहुत सारे जन नहीं जानते हैं जीवित रोटी में क्या उपस्थिति है। मैं आपसे कहता हूँ, परमेश्वर जीवित रोटी में बहुत ही उपस्थिति है। जब आप अकेले में उनके साथ बातें करेंगे, जब आप अकेले में उनके साथ प्रार्थना में बैठेंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को छुएगा, परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को बदलेगा, क्योंकि यीशु की रोटी में जीवन है, यीशु के रोटी में वो ताकत है जो ताकत वो हमारे और आपके जीवन में डालना चाहता है। मैं नहीं जानता हूँ कितने जन आप लोग रोटी के सामर्थ्य शक्ति के सामने में बैठते हैं। मैं जब भी समय पाता हूँ, मैं जीवित रोटी के सामने में बैठता हूँ, क्योंकि मुझे उससे ताकत मिलता है। जहाँ पर भी मैं सत्संग या आराधना करता हूँ, वहाँ पर ही मैं परमेश्वर की रोटी की आराधना करता हूँ, क्योंकि उस रोटी के माध्यम से चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर करते हैं। प्रभु आपसे प्यार करते हैं, प्रभु आपको चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं आपके जीवन में वो शक्ति को डाले जिसके द्वारा आपका जीवन बदल सके। ये संभव तभी है प्रियजन, जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में पुकारेंगे। ये संभव तभी है प्रियजन, उसकी उपस्थिति तब आप लाभ कर पाएंगे जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं कि आप उसकी उपस्थिति के लिए अपने जीवन को समर्पण कीजिए, आप उसकी उपस्थिति के लिए अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर लगाइए। जब आप ईश्वर की उपस्थिति के लिए अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर लगाएंगे, तब परमेश्वर आपको वो आशीष देगा कि आप परमेश्वर को जान पाएं, तब आप परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। यिर्मयाह के पुस्तक अध्याय 29 पद संख्या 13 में परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये प्रभु के वाणी है, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। मैं तुम्हें उन सब राष्ट्र और उन सब स्थानों से जहां मैंने निर्वासित कर दिया है वहां फिर एकत्रित करूंगा, ये प्रभु की वाणी है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर अभी कहते हैं वो जब तुम हृदय से उसे ढूंढोगे, उसे खोजोगे। हमारे हृदय उसे ढूंढना नहीं चाहता है, हमारे हृदय व्यस्त रहता है जगत के कामों में, हमारे हृदय व्यस्त रहता है दूसरे मार्गों में, हमारे हृदय व्यस्त रहता है परेशानियों में, हमारे हृदय परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढना नहीं चाहता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाएंगे, अगर आप प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की ताकत को अपने जीवन में बुलाएंगे, उसकी उपस्थिति आपका जीवन में आ जाएगा, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आ जाएगा। उसकी उपस्थिति के द्वारा आप प्रार्थना जब करेंगे, परमेश्वर काम करना चालू करेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति जब उतर कर आता है तब चिन्ह और चमत्कार से वो भरते हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आए? अगर चाहते हैं तो प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। संत फौस्तीना को देखिए, जिसने अपने जीवन को प्रभु की उपस्थिति के सामने में समर्पण कर दिया। जब वो यीशु के सामने में अपने जीवन को समर्पण किए, परमेश्वर ने उसे दर्शन दी और दर्शन के माध्यम से दिव्य करुणा की रोजरी जपमाला करने की कृपा प्रदान की और परमेश्वर ने उनको समझाया कि उसकी उपस्थिति क्या ज़रूरत है। और कहा जाता है संत फौस्तीना की बुक 1912 में जो बुक लिखा गया है, उस बुक के माध्यम से, उस किताब के माध्यम से उसने अपने सोत्र में कहा है, कोई अगर हृदय से डिवाइन मर्सी की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। सच में प्रभु चाहते हैं कि हम लोग उसकी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु के वचन को पुकारें। जब हम लोग परमेश्वर यीशु के वचन को पुकारेंगे, प्रभु यीशु को वचन को अपने जीवन में अपनाएंगे, वो हमारे जीवन को बदल देगा। संत योन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26, परंतु वो सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम सब कुछ समझा देगा, मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वो उसका शरण दिलाएगा। वचन कहता है कि परंतु वो पवित्र आत्मा, वो प्रभु यीशु की आत्मा जिसको आप बुलाना चाहते हैं, उस पवित्र आत्मा जो आपके जीवन में आएंगे, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलेंगे, वो पवित्र आत्मा की शक्ति आपके जीवन में उतर कर आएगी और वो पवित्र आत्मा आपको समझाएंगे यीशु कौन है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना पड़ेगा प्रभु यीशु कौन है, वो क्या कर सकते हैं, वो हमारे जीवन में क्या ला सकता है, वो हमारे जीवन में सब कुछ कर सकता है। मगर आप जब तक उसे नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके पास नहीं आएंगे, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगी परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु के वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु के वचन को पढ़िए। उसने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में, उसने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में उसने कहा, धन्य है वो हृदय जो आत्मा में दीनहीन है, वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा। धन्य है वो व्यक्ति जिसके हृदय आत्मा में दीनहीन है, वो परमेश्वर का दर्शन पाएगा। अपने हृदय को दीनहीन करना बहुत ज़रूरी है, अपने हृदय को प्रभु के ओर लगाना बहुत ज़रूरी है, अपने हृदय को परमेश्वर से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु यीशु के पास जोड़ेंगे, जब आप प्रभु यीशु को पुकारेंगे, जब आप प्रभु यीशु को बुलाएंगे, तब प्रभु यीशु आपके जीवन में उस आशीष को डालेगा जिस आशीष के लिए आप तरस रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक विश्वासी के जीवन में जब प्रभु की उपस्थिति आ जाती है, तब वो विश्वासी के जीवन बदल जाता है। एक विश्वासी के जीवन में जब प्रभु की उपस्थिति आ जाते हैं, तब वो विश्वासी जान सकता है प्रभु उसके जीवन में क्या करना चाहता है। सोत्र के गंत्र अध्याय 145 पद संख्या 18 में अगर देखेंगे, वो उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वो उनका मनोरथ पूरा करता है, वो उनकी पुकार सुनकर उनको उद्धार करता है। आमेन। उसने बहुत ही सुंदर बातें कहा, उसने कहा वो उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं, जो उस पर श्रद्धा रखते हैं वो उनका मनोरथ पूर्ण करता है, वो उनकी पुकार सुनकर उसका उद्धार करता है। सच में
जब आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगा, जब आपको समझ में आ जाएंगी परमेश्वर क्या चाहते हैं, तब आप जान पाएंगे प्रभु की शक्ति आपके जीवन में क्या है, तब आप जान पाएंगे परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में क्या है, तब आप जान पाएंगे प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में किस तरह से आ सकता है। इसके लिए एक काम तो आपको जरूर करना पड़ेगा, वो है मन परिवर्तन करना, वो है अपने पापों को स्वीकार करके प्रभु के पास लौट कर आना। हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग पापों में डूबे रहते हैं। हमारे जीवन प्रायश्चित नहीं करके प्रभु के पास नहीं आते हैं। पाप स्वीकार करके प्रभु के पास लौट कर आना बहुत ज़रूरी है। जब आप पाप स्वीकार करते हुए अपने पापों की क्षमा मांगते हुए आप प्रभु के पास लौट कर आएंगे, तब वो आपको परमेश्वर की कृपा से भर देंगे, वो आपको आशीष से भर देंगे, उस शक्ति से वो भरेंगे जिसके लिए आप तरस रहे हैं। वो आपको ऐसे एक आशीष देंगे जिसकी उपस्थिति में आप परमेश्वर के करीब रह पाएंगे। वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के करीब में रहें, वो चाहते हैं कि आपका जीवन में परमेश्वर का वचन रहे, आप प्रभु को जान सकें। उसने कहा, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वो ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ, प्रभु अपनी करुणा और सत्य प्रतिज्ञता याद कर जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरे अपराधों को और जवानी के पापों को याद ना कर, प्रभु अपने भलाई और सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप मेरी शुद्धि ले। परमेश्वर कहता है कि प्रभु वो है जब प्रभु को हम लोग बुलाएंगे, आपके सभी पापों को वो क्षमा करेंगे, आपके जीवन के हर एक पापों को वो क्षमा करते हुए आप परमेश्वर के पास लौट पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप आज अगर परमेश्वर को पुकारेंगे तो प्रभु आपका जीवन को बदल देगा, तभी जब आप अपने जीवन में उसकी उपस्थिति को पुकारेंगे। हम लोग उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो सत्यमय परमेश्वर हैं। वो आपको मुक्त करना चाहते हैं, वो आपके जीवन में आशीष को देना चाहते हैं। उसकी उपस्थिति को पाने के लिए अपने जीवन को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन को उसके मार्ग पर लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु, मैं आगे पाप करता था, आज और नहीं करूँगा। प्रभु, मैं बुराई में था, अभी मैं उस बुराई को छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु, आगे मैं मेरे जीवन पापों में लिप्त था, आज प्रभु मैं उस पापों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं तेरा आशीष को मांगता हूँ। उसने कहा, हिब्रियों की पुस्तक 13, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, मैं तुमको कभी नहीं बुलाऊंगा। उसने कहा कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए हर विश्वस्त को ये कहना चाहते हैं, प्रभु मेरे सहायता करता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हिब्रियों के पुस्तक 13 पद संख्या 5 और 6, जहाँ पर उसने कहा, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए लगा रहना चाहिए, तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा सहायता करता रहूंगा और मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। कोई मनुष्य आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो पाएगा, वो कोशिश करेंगे, वो देखते रह जाएंगे, वो बहुत कुछ करेंगे मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। आज के इस युग में हम लोग बहुत सारे चीज़ों से डरते हैं, नहीं वो फलाना मुझे नुकसान कर देंगे, वो फलाना मेरे जीवन को नष्ट कर देंगे, वो फलाना मेरे जीवन में कमज़ोरी ला देगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा मुझे पता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु के वचन के द्वारा अगर आप परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे तो विश्वास कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप प्रभु येसु के वचन को विश्वास किए। उसने कहा, प्रकाशना के ग्रंथ 3 पद संख्या 20 में उसने कहा, मैं तेरे दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक दे रहा हूं, अगर तू अपने दरवाजे को खोल देगा तो मैं तेरे घर में आऊंगा, मैं तेरे साथ खाऊंगा, मैं तेरे साथ पीऊंगा और मैं तेरे साथ रहूंगा। कितने सुंदर वचन परमेश्वर ने कहा, अगर तू अपने दरवाजे को खोल देगा तो मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे साथ पान करूंगा, भोजन करूंगा और मैं तेरे जीवन को बदलूंगा। मगर अपने दरवाजे को खोलना बहुत ज़रूरी है, अपने हृदय को खोलना बहुत ज़रूरी है। हिब्रियों के पुस्तक 4 पद संख्या 16 में उसने कहा, इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वो कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी।
उसने कहा, इसलिए चलो उस सिंहासन के पास, उस राजाओं के राजा के सिंहासन के पास जाते हैं, उसके करीब आते हैं कि जिसके द्वारा मुझे और आपको आशीष मिलेगी, जिसके द्वारा प्रभु की कृपा मिलेगी, जिसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की शक्ति मिलेगी और जिसके द्वारा पता चलेगा प्रभु येसु हमारे जीवन में क्या करना चाहते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर येसु की उपस्थिति के लिए आपको प्रभु के पास लौट कर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में प्रभु येसु की कृपा लाना चाहते हैं। तभी संभव है जब आप अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। ये तभी संभव है जब आप अपने आप को परमेश्वर के मार्ग पर समर्पण करेंगे। सूत्र के ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 और 5, जहाँ पर उसने कहा, प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे, मुझे अपने पथ का शिक्षा प्रदान कर, मुझे अपने सत्य के मार्ग पर ले चल, मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही वो ईश्वर है जो मुक्ति प्रदान करता है। प्रभु मुझे अपने मार्ग का ज्ञान दे। जब आप परमेश्वर के मार्ग को जान लेंगे, तब आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी। प्रभु की मार्ग को जानने के लिए परमेश्वर का वचन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक, जहां पर उसने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर के संग में था। वो वचन जो हमारे जीवन था, आज वो हमारे जीवन को और भी दृढ़ कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के वचन को अपने जीवन में लाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु के वचन के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। प्रभु के वचन के द्वारा आप प्रभु के बहुत ही करीब आ सकते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा आप परमेश्वर को जान सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा आपका जीवन बदल सकता है। क्या आज आप तैयार है प्रभु येसु को ग्रहण करने के लिए? क्या आज आप तैयार है कि परमेश्वर को अपने हृदय में लाने के लिए? अगर आप तैयार है तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूँ। प्रभु मैं चाहता हूँ तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आए। प्रभु मैं चाहता हूँ तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में आकर बैठा रहे। प्रभु मैं जब भी प्रार्थना करूँ तेरी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में तू आ जाए। नबी इसाईस के ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 1 में उसने कहा, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति आ रही है और प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। उसने कहा, उठकर प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरी ज्योति, परमेश्वर की ज्योति आ रही है और जो प्रभु ईश्वर की महिमा तुझ पर उदित हो रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु की महिमा करने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आ रही है। क्या आप तैयार है प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में पाने के लिए? अगर आप तैयार है तो अपने जीवन को समर्पण करना बहुत ज़रूरी है। अपने हाथों को उठा लीजिए, अपनी आँखें को बंद कर लीजिए, अपने हृदय को खोल कर रखिए, अपने सांस को अंदर और बाहर आने दीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने यीशु को मन ही मन में पुकारिए, यीशु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यीशु मैं तेरा महिमा करना चाहता हूँ, यीशु मैं अपने जीवन में तेरे नाम की अगुवाई करना चाहता हूँ। सिर्फ उसे कहते रहिए कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आए, बोलते रहिए। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, मैं तेरी उपस्थिति को अपने जीवन में चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेरी उपस्थिति के द्वारा मेरे जीवन परिवर्तन हो जाए। तू महान परमेश्वर है। मैं जब भी तुझे पुकारूँ कि तू मुझे उत्तर दान करे। तूने कहा है, जब भी तू मुझे पुकारेगा मैं तुझे उत्तर दूंगा। इसी विश्वास से मैं तुझे पुकारना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तू मेरे जीवन में काम कर पाएगा, क्योंकि तेरी उपस्थिति के द्वारा मेरा जीवन बदल जाएगा। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर, आमेन। स्क्रीन में दिए हुए नंबर को आप लोग देखिए, स्क्रीन में दिए हुए डिटेल्स हमारे हैं, फ़ोन नंबर हमारे हैं, आप लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग प्रार्थना सभा के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने अंचल में प्रभु के वाणी को फैलाने के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रार्थना के विषय हो या कोई भी गवाही हो, भेजिए। इस वचन के द्वारा आपको जो आशीष मिल रहा है, इस आशीष को दूसरे को बताने के लिए आशीष दीजिए कि परमेश्वर का कृपा आपके जीवन में रहे। आज के लिए विदा लेते हैं। सभी को जय यीशु।